Students, welcome back. Exception. Exception cases jetebele ki gote subsidiary company holding company ra shares ko hold kari paribo. So first case ame dekhiba. First case hochi jodi holding company ra kehi bhi deceased member thibe. A deceased jana kehi bhi member gote mari gala. Tale in that case ye mruta lokoro je legal representative heitibo. So legal representative jati bhi subsidiary company re kichhi bhi hold karthuba ba kichhi bhi member heitibo, still se holding company ra share ko acquire kari paribo. Second, subsidiary company jadi trustee hisab re chahibo tale in that case also holding company ra share hold kari paribo. And jadi subsidiary company ra kehi bhi shareholder holding company, subsidiary company को hold करीबा बा acquire करीबा पूर्वोरु ही से shareholder है थी वो subsidiary company रो ताले in that case also वोटे subsidiary company holding company रो shares को acquire कर पारी वो. So however subsidiary company shall have a right to vote. Subsidiary company पकरे right to vote अच्छी आउ से करि परबो को हिसाब रे ना आइदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे ए हिसाब रे और एज ए ट्रस्टी ओनली भी से राइट टू वोट रे पार्टिसिपेट करि परबो. ओके सर नेक्स्ट हमें जीवा नेक्स्ट केस होची हमरो ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ए बेसिस रे भी कंपनी हमें कैटेगराइज करि परबो. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग रे public limited company are eligible for listing its share in stock exchanges. Am I eta janiche the public limited company hi stock exchange re ta shares guda ko listed kari paribo. So on this basis public company puni dui prakar rahi paribo. Okay, gote hoche listed company gote unlisted company. So ebe aku detail le padhiba listed company. लिस्टेड कंपनी कहले हमें कौन बुझिबा. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 रे डिफाइन हे छि लिस्टेड कंपनी कौन. सो लिस्टेड कंपनी एज ए कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज. ठीक अछि लिस्टेड कंपनी ताकु हमें कहिबा जो कंपनी रो सिक्योरिटीज गुडा को बा जेते तार रहिले शेयर्स रहिले डिवेंचर्स रहिले से गुडा को से जदि स्टॉक एक्सचेंज रे इशू करउतबो आ ता पई ताकु स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्टेड होबा को पड़िबो ता ता पई जहा लिस्टेड ऑब्लिगेशंस अछि लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस अछि सेडा हमें परे पढ़िबा. तो से सब गुडा को से जदि कंप्लाई करके लिस्टेड हेतबो कोनसी स्टॉक एक्सचेंज रे ताले तेबे ही से तार सिक्योरिटीज गुडा को इशू करि परिबो आ ताकु हमें सेतबेले कहिबा लिस्टेड कंपनी. So it means that if a private company has a debt security listed on any recognized stock exchange, then such private company is under the ambit of listed company category for complying with Companies Act 2013 rules and regulation made there under. तो ठीक से ही बोलिया जदि कोनसी प्राइवेट कंपनी भी तार डेब्ट सिक्योरिटीज गुडा को तो हमें ऑलरेडी एटा भी पढ़ी छे जे प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करि परिबनी बट यस सर्टेन केसेस रे से डिवेंचर इशू करि परिबो एंड डिवेंचर होचि गोटे डेब्ट सिक्योरिटी. तो से जति कोनसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रे इन केस तार डेब्ट सिक्योरिटीज को इशू करे छि ताले इन दैट केस से प्राइवेट कंपनी को भी हमें लिस्टेड कंपनी बोली कहिबा आउ ताकु कंपनीज एक्ट रे जते जहा रूल्स अछि रेगुलेशंस अछि ताकु कंप्लाई करबा को पड़िबो. नेक्स्ट हमें जीवा अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी कहले हमें कोन बुझिबा सो ए पब्लिक कंपनी व्हिच इज नॉट लिस्टेड इट्स शेयर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड नॉन लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी. जो भी पब्लिक कंपनी जे तार शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज रे इशू करू नाही आ स्टॉक एक्सचेंज रे निजे लिस्टेड हे नाही तो इन दैट केस हमें ताको कहिबा नॉन लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी. नेक्स्ट जीवा अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज. सो अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज रे के आछंती. फर्स्ट आछी हमरा स्मॉल कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हैविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो आपको हमें कहिबा सेक्शन 8 कंपनीज देन गवर्नमेंट कंपनीज फॉरेन कंपनीज
associate companies or joint venture companies, investment companies, banking company, producer company, dormant company, inactive company, nidhi company, ये सब गुड़ा का other form of companies, तो आपको ये डिटेल ले पढ़िए। First आच्छी हमारा small company, small company का section हो ची 2 subsection 85। Small company कहले हमें कौन बुझेगा? Small company means company other than a public company. Both is simple definition. Company other than a public company. Paid up share capital or kete jibo does not exceed 50 lakh rupees and turnover does not exceed 2 crores. And provided that nothing in this clause shall apply to a holding company or a subsidiary company, section 8 company or a company governed by any special act. तो हमें ये जानी गले स्मॉल कंपनी मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी जहाँ पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रु अधिक होनो थवो किंबा तार टर्नओवर 2 कोटी रु अधिक होनो थवो बट एटा एप्लीकेबल कहाँ पर हबो नाही होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी ऊपर ये क्लॉज एप्लीकेबल हबो नी सेक्शन 8 कंपनी ऊपर ये क्लॉज एप्लीकेबल हबो नी किंबा कोनोसी कंपनी जदि स्पेशल एक्ट द्वारा तयार हे छि से केस रे भी ए जो हमर कैपिटल 5 करोड़ रु अधिक हे नथिबो टर्नओवर 2 करोड़ रु अधिक हे नथिबो ये कंडीशन अप्लाई हबो नाही ओके नेक्स्ट हमें जीवा obligation of small company jadi apana small company banau chanti tale in that case apun kichita maniba ko padibo rule regulation ta se kon as per provision as per proviso of section 92 subsection 1 central government may prescribe average form of annual return for small company barambar koichi average form summary bhola lekha jae to in that case central government prescribe karibo je se man tankar annual return average form re debe seta ko comply kariya padibo small company ko accordingly Section 92 subsection 3 भी obliged होगा बा सेटा भी से bound follow करिया पाई से कौन कहूँची ना small company shall place a copy of annual return on the website of the company and if any unwavering of such annual return shall be disclosed in board report okay तो इतनी किटा obligation हो ची जो उटा small company मानी वो first average form annual return second ये तारा website रे तारा वोटे copy show करी वो okay और तार किंबा तार गोटे वेब लिंक जो थ्री डिस्क्लोज करथबो बोर्ड रिपोर्ट बिसरे सेटा शो करिवो नेक्स्ट हमें जीवा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जहा को हम कहउछन सेक्शन 8 तो सेक्शन 8 रे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट गुडा को डिस्क्राइब हे छी जहा को हम शॉर्ट रे कहउछन सेक्शन 8 कंपनी तो देखिवा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मे ग्रांट लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 इफ इट इज इंटेंडेड टू फॉर्म ए कंपनी फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स आर्ट साइंस स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च सोशल वेलफेयर रिलीजन चैरिटी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट तो माने आपण जदि कोनसी प्रॉफिट मेकिंग पई कंपनी बनो नांदी बरंग कोनसी प्रमोट करिया पई आर्ट साइंस किमा स्पोर्ट्स किमा एजुकेशन ए रिलेटेड किमा सोशल वेलफेयर किमा चैरिटी किमा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पई किछि सेमती काम करिया चाहौ चंदी आपण भी चाहेले कंपनी फॉर्म रे ताको इनकॉर्पोरेट कर परबे बट ता पई आपण को सेक्शन 8 हिसाब रे मानिया पडिबो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेति लागि license grant karche under section 8 au kebal ei kaam pai okay and the company prohibit payment of any dividend to any of its members but eta mon rakhantu in case jodi apana section 8 company tiyari karuchanti tahale member manku dividend milibo nahi because ame usually janiche je shareholder manku ba member manku dividend mile but ethire milibo nahi and but intend to apply it प्रॉफिट और अदर इनकम इन प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ता सहित इन केस ए कंपनी यदि कोनसी प्रॉफिट करची से प्रॉफिट को भी कोनसी अन्य काम रे यूज करि हबनी केवल से जो ऑब्जेक्ट पई से कंपनी बनाय छी से इथरे जहां यूटिलाइज करिया पड़िबो अदर पर्सनल गेन इथरे किछि हे परिबो नै कि डिविडेंड मेंबर्स मन को भी मिलिबो नै नेक्स्ट हमें जीवा दिस कंपनी आर एग्जेम्प्टेड टू यूज लिमिटेड और द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यस जदि सेक्शन 8 कंपनी आपण तयार करचंती ताले आपण को ना रे ना लिमिटेड शब्द आपण यूज करिवे ना प्राइवेट लिमिटेड यूज करिवे ओके एग्जेम्पशन मिल जाय छी देन द कंपनी इज रजिस्टर्ड विदाउट पेइंग एनी स्टैंप ड्यूटी यस आपण जदि एभले कंपनी बनाउचंती ताले आपण को मेमोरेंडम आ आर्टिकल जो स्टैंप ड्यूटी दबा को पड़े सेटा आपण देबे नाही दरकार नै दबा ओके Then this company cannot alter its memorandum or article except with previous approval of central government. Yes,
ये कथा भी मन रखा पड़ो सेक्शन 8 कंपनी केवेहले भी तार मेमोरांडम को किंबा आर्टिकल को चेंज करे पारिबोनी अल्टर करे पारिबोनी बट जदि इनकेस एमती दरकार पड़ला तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट रु अप्रूवल आने पड़ो एंड ए फर्म मे बी मेम्बर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन तो आउ गोटे आर फीचर हूँ कौन ना एथेरे केवल इंडिविजुअली मेम्बर हो पारिबोनी कौन सी फर्म भी चाहिए एथेरे मेम्बर हो पारिबो ओके नेक्स्ट आम जीवा गवर्नमेंट कंपनी कहले कौन बुझा सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 डिफाइन करुच्छे गवर्नमेंट कंपनी को तो तार मीनिंग कौन ना एज एनी कंपनी इन ह्विच नॉट लेस देन एटा को ध्यान से पढ़ाक पड़ो नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट or partly by central government and partly one or more state government and include a company which is a subsidiary company of such a government company bujhibaku first government kahile section 2 subsection 45 amku bujhauchi je sei company ko ame government company kahiba jo company ro कम से कम 51% जो शेयर्स गुड़ाक रहा से गुड़ाक गवर्नमेंट होल्ड कर थी ओके तो 51% नॉट लेस देन 51% शेयर एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ओके होल्ड बाय गवर्नमेंट कम से कम 51% होल्ड करुथबो आमर गवर्नमेंट तो से गवर्नमेंट किए हो पारे ना से गवर्नमेंट मु कहि रखुची सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ भी हो पारे स्टेट गवर्नमेंट और अदर दुई तीन टा स्टेट गवर्नमेंट मिसिकी भी हो पारंती किंबा पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट किसी होल्ड करुची किसी स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करुची आउ ये स्टेट गवर्नमेंट दुई रु अधिक भी हो पारंती आउ एथरे भी इनक्लूड करुची जे जदि सब्सिडियरी कंपनी कोनोसी गवर्नमेंट कंपनी रे सब्सिडियरी हे जीवो ताकु भी आमे कहिबा गवर्नमेंट कंपनी So as per 5th June 2015 notification, no government company shall contain private limited in its name, even if it is in fact a private company. Okay? So eta bhi kahi dauchi a notification, je konasi government kebe hel bhi private limited word use karibo nahi. Though se jete bele register heithibo, se jodi private company hisabre hi register heichi, still, ta memorandum article le lekha heichi, still, se kebe hel bhi private limited word use karibo nahi. ओके नेक्स्ट आम जी फॉरेन कंपनी कहले आम कौन बुझा सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 रे फॉरेन कंपनी डिस्क्राइब हो सो फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फर्स्ट केस फॉरेन कंपनी आम कहवा जेकोसी कंपनी किंबा बॉडी कॉर्पोरेट जदि इंडिया बाहर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो तो आम कह फॉरेन कंपनी ओके आउ कौन कही पारिबा ना व्हिच इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर ता माने हमें जानिगले सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 हिसाब रे कंपनी जोटा कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होतबो बट इंडिया रे आसी कि निजे बिजनेस करतबो किंबा ता एजेंट थ्रू रु करतबो फिजिकली करतबो किंबा से इलेक्ट्रॉनिक मोड माने वेबसाइट करिकि भी जदि बिजनेस करतबो जे कोनसी कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर बट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो ताकु आमे कहिबा फॉरेन कंपनी ओके फॉरेन कंपनी रा सेक्शन होची सेक्शन 379 रो सेक्शन 393 कौन बुझौची देखिबा सो सेक्शन 380 ऑफ द एक्ट ले डाउन दैट एवरी फॉरेन कंपनी व्हिच एस्टैब्लिशेस ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मस्ट विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन तो ये आम जानीगले सेक्शन 380 कहूँगी कौन सी फॉरेन कंपनी जदि इंडिया रे आसिकी कौन सी भी रूप से बिजनेस स्टार्ट कला ताहले 30 दिन भितर विदिन 30 डेज जब से प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश कला से 30 दिन भितर से रजिस्ट्रार पाखरे रजिस्ट्रेशन करेइबो ता कंपनी रो कौन कौन दरकार ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर स्टैट्यूट और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ए फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब तो एतिटा डिटेल्स ताकू देबाकू पड़िबो ता सहित तार नेम
address, one or more person resident in India authorized to accept on behalf of company service, process and any notice, full address of its principal place of business in India, particulars of opening and closing of place of business in India on earlier occasion or occasions, then declaration that none of the director of company or authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of companies and management in India or abroad, and any other information as may be prescribed. So ame etiki jani gale je etikta compliance gote foreign company ku comply karibaku padibo as per law. Then ebe asiba foreign company, the following activities are not held as constituting carrying on business. Dekhiba kon se guda carrying small transactions. Yes, e activities guda ku ame carry on business kahiba nahi kaunasi foreign company, but se jodi small transaction karuchi kimba conducting meeting of shareholder or directors, operating bank account, transferring of shares or other securities, operating through independent contractor, procuring order, creating or financing of debt charges etc. on property, securing or collecting debt or enforcing claim to property of any kind. So ebhalia jodi activity kehi bi foreign company karuchi taku ame kahiba nai je tame india re asiki business carry